आज हम करेंगे शॉर्ट का सीओ। इसका सीओ कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही कठिन भी है। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। क्योंकि अगर आप शॉर्ट का सीओ कर देते हैं ना, तो अगर वो शॉर्ट फीड में जब तक वायरल नहीं हो जाता, तब तक यूट्यूब उसको भेजता ही रहेगा शॉर्ट फीड में, जब तक उसको वायरल ना हो जाए। क्योंकि मैंने एक वीडियो है मेरी जो कि बहुत पुरानी है, जो कि अभी तक उस पर व्यूज आ रहे हैं, उस पर अर्निंग हो रही है। तो कौन सी वीडियो है मैं दिखाऊंगा पहले, इससे पहले कि सीओ कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, और आपको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले। यहाँ पे आपको सीओ कैसे करना वो मैं बताता हूँ। जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो कि टाइटल डालते हैं, जिस रिलेटेड आपका शॉर्ट है, ठीक है, तो उस टाइटल डालते हैं, तो वहाँ पे टाइटल पहले डाल लेना है यूट्यूब एप्स में ही, ठीक है, और फिर वहाँ से अपलोड कर देना है। अब वहाँ से अपलोड हो जाने के बाद आपको आना है YT स्टूडियो में, यहाँ सारा खेल है, यहीं पे आपका सीओ करना है। वो कैसे करना है एक एक पॉइंट बताऊँगा, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा आपको। देखो तो यहाँ पे आने के बाद आपको टाइटल जो आप लगाए थे उसको कॉपी करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ कुछ कीबोर्ड डालने हैं पहले। अब वो कीबोर्ड कहाँ से मिलेंगे, अपने वीडियो जिस टॉपिक पे बनाया है, जिससे रिलेटेड बनाया है, उससे रिलेटेड कीबोर्ड डालने हैं, और अलग कीबोर्ड नहीं डालना है, ठीक है। तो वो कीबोर्ड कहाँ मिलेंगे आपको, मैंने अगले वीडियो में बताया भी होगा रैपिड टैग के बारे में, जो कि वहाँ से आप कीबोर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चले जाना वेबसाइट पे, वहाँ से आपको जिस रिलेटेड आपका वीडियो शॉर्ट है वहाँ पे ये कीबोर्ड आपको डाल देना है। मतलब मेरा है जी, मान लीजिए भोलेनाथ की सॉन्ग है, तो यहाँ पे मैं भोलेनाथ का सॉन्ग डालूंगा और इंटर पे दबा दूंगा, और यहाँ से कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना। फिर आपको यहाँ कुछ हैशटैग डालने हैं। अब हैशटैग कैसे डालने हैं, जैसे कि आपका शॉर्ट है तो यहाँ से शॉर्ट डालना है, YT शॉर्ट डालना है, शॉर्ट फीड डालना है, शॉर्ट वायरल, और जिस रिलेटेड वीडियो है, जैसे कि भोलेनाथ, हनुमान जी, जो भी आपका वीडियो है उससे रिलेटेड यहाँ हैशटैग डाल देने हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ से ये सब हो गया डिस्कशन का काम। अब यहाँ नीचे आने के बाद जहाँ कमेंट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ टाइटल जो होता है यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ये बहुत मेन होता है। मतलब जो भी यूट्यूब पे सर्च कर रहा होगा, जैसे मान लीजिए भोलेनाथ का सॉन्ग कोई सर्च कर रहा है, तो इसमें आपका शॉर्ट उसके नीचे आ जाएगा। ये होता है सीओ का पावर, मतलब कि आप जो भी कोई भी सर्च कर रहा होगा, मान लीजिए भोलेनाथ का सॉन्ग सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, तो उसके नीचे आपका शॉर्ट आ जाएगा। देखिए मैंने सीओ किया था, इसलिए ये वाला वीडियो है अभी तक रन कर रहा है, इस पर अर्निंग अभी तक हो रही है, क्योंकि अगले वीडियो में इसका अर्निंग रिवील किया था, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कितनी अर्निंग थी अब कितनी हो चुकी है। मतलब ये अभी तक चल रहा है, अभी तक चलता ही रहेगा, मतलब ये सीओ किया हुआ शॉर्ट है। तो वीडियो का तो सीओ होता ही है, पर शॉर्ट का आप करेंगे ना तो वो भी वायरल होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में किए हैं जो कि अभी तक वो चल रही हैं, और कुछ एक महीने चले रुक गई, कोई 10 दिन चले रुक गई, मतलब मिलियन में व्यूज आके रुक गई, और ये अभी तक चल रही है, मतलब इसका सीओ अभी तक काम कर रहा है। मतलब सीओ का इतना पावर है शॉर्ट में। तो यूट्यूब का तो वीडियो का तो होता ही, अब शॉर्ट का भी अगर आप सीओ करते हैं तो यूट्यूब भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब भी सर्च करें वो हैशटैग आपका आ ही जाएगा, आपका वायरल हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सीओ का पावर, और मैंने कुछ आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो टाइटल में है, यहाँ पे आप जो सर्च करेंगे वो तुरंत आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना है भोलेनाथ से रिलेटेड है, तो यहाँ लिखना है भोलेनाथ, भोलेनाथ सॉन्ग, और इस तरह कुछ बहुत सारे कीबोर्ड है। फिर आपको आना है रैपिड टैग पे, यहाँ पे भोलेनाथ सॉन्ग रख के जितने कीबोर्ड आ रहे हैं एक एक को आपको यहाँ एक एक करना पड़ेगा, एक एक मतलब देखिए, और यहाँ पे लिख करके पूरा भर दीजिए इसको, ठीक है, जितना आप मांग रहा है, जो कि 500 तक होता है, तो आपको 470-480 तक कीबोर्ड डाल देने हैं, ताकि आपका जो शॉर्ट है जो भी सर्च करे आपका वीडियो आए, फिर उसके बाद आपका शॉर्ट आने लगे। तो इस तरह होता है सीओ, ठीक है, यही सीओ होता है। अगर आप करते हैं तो आपको शॉर्ट बहुत तेज़ी से वायरल होता है, 1 घंटे में भी वायरल हो सकता है। अगर 1 घंटे में नहीं हो रहा है तो धीरे 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 डेली का डेली उस पर व्यूज आते रहेंगे, क्योंकि जब जब लोग सर्च करेंगे तब तब आपका उस तरह वीडियो आने लगेगा, और इस तरह आपका शॉर्ट फीड में चला जाता है। और तुरंत शॉर्ट फीड में चला गया तो मान लीजिए आपका वीडियो वायरल हो ही गया, जब तक मिलियन में जाए नहीं जाएगा तब तक शॉर्ट फीड में आता ही रहेगा, ऐसा होता ही नहीं शॉर्ट का। तो आपको आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिले, सीखने को मिले। यहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी मिलती है, अर्निंग से रिलेटेड और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जानकारी मिलेगी।